हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में अभी जो है हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आपको जो है नीट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बायोलॉजी के टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा हूं और उस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि आपको नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएं, जिससे आप नीट एग्जाम को ईजी तरीके से टैकल कर पाएँ। तो अभी जो टॉपिक मैंने लिया है वो 12th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक लिया है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस वे में कि इसकी वजह से आपको कई सारे चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं। जैसे बायोलॉजी में जो 11th का टॉपिक है, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, बट उन सब के पीछे की वजह जो है, रीजन क्या है, ये आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी, जैसे कि आपको रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और इकोलॉजी में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं जो है इनमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक जो हम रखेंगे वो रखेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब इसे आप पढ़ेंगे और जब इसे आप समझने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस बाकी सब टॉपिक से ज़्यादा है। वो बात अभी आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं पहले से स्टार्ट कर लेता हूँ। सही टाइम आने पे आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे जो एवोल्यूशन का टॉपिक है, ये टॉपिक आपके एक यूनिट है जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, उसमें आता है, चैप्टर नंबर 7 है 12th क्लास एनसीईआरटी के हिसाब से। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इनके जो सिलेबस आपको मेंशन है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिलेबस जो आपको मेंशन है वो क्या क्या चीज़ है, मैं टेक्स्ट बुक से ही बोल रहा हूँ। देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ए थ्योरी एंड व्हाट आर द एविडेंस फॉर द एवोल्यूशन एंड व्हाट इज एडॉप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द मैन। ये इतने सारे टॉपिक मेंशन है। ये पूरी यूनिट 10 क्वेश्चन की है। जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जेनेटिक्स के 3 चैप्टर में 10 क्वेश्चन डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे मान लीजिए तो सबसे 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, किसी से ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि 3-3 क्वेश्चन और किसी से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, पर 10 क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स से और एवोल्यूशन से मिला के आते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं, जो इसका मैक्सिमम वेटेज है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जब इसको समझेंगे तब आप समझ पाएंगे बहुत सारे आंसर को, जो बायोलॉजी में अभी आप जस्ट मान लेते हैं या रटते हैं। जैसे मैं इसका वो लेता हूँ जो आपको यहाँ मेंशन किया गया है। तो एवोल्यूशन में जैसे आपको मेंशन किया गया है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और एक चीज यहां मेंशन की गई है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। हाँ, तो इनको लेके चलते हैं, चलिए इसको रख देते हैं। देखिए यहाँ जो मेरे पढ़ाने का तरीका होगा ना, ये नरेशन के टाइप होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे लॉजिक्स है, आर्गुमेंट है, काउंटर आर्गुमेंट है, तो आपको उन्हें सीखना पड़ेगा। आप किसी दूसरे ट्रेडिशनल बायोलॉजी के चैप्टर की तरह इसे नहीं पढ़ेंगे। जैसे बाकी बायोलॉजी के जब चैप्टर आप पढ़ते थे तो उसमें जो है आपको जैसे कोई स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, किसी फिनोमेना की स्टडी करनी है, ऐसे यहाँ एक इवेंट और प्रोसेस की स्टडी करनी है,
इस वजह से ये टफ है। मैं धीरे धीरे समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहली बात, एवोल्यूशन, किस चीज के एवोल्यूशन? देखो एवोल्यूशन जो हम पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली जो आंसर देता है, जैसे आपका पहला यूनिट था डाइवर्सिटी, तो ये आंसर देता है कि डाइवर्सिटी कैसे बनी, डाइवर्सिटी कैसे पॉसिबल है। डाइवर्सिटी किससे बनी होगी? डिफरेंट स्पीसीज से। डाइवर्सिटी कैसे होती है? डिफरेंट स्पीसीज के फॉर्म में, जब आपने 11th क्लास को पढ़ा तो उसमें जो आपका डाइवर्सिटी का चैप्टर था उसके अंदर ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अल्टीमेटली सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो टैक्सॉन था वो थी स्पीसीज। तो एक्चुअल में हमारे लिविंग वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो डिफरेंट टाइप क्या है? स्पीसीज। उसी को हम डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सब चीज़ें कैसे आई, इनका जो है ये जो डाइवर्सिटी हमें आज दिखती है, जो डाइवर्सिटी दिखती है कि मतलब एक बड़ी डाइवर्सिटी है जिसमें जैसे 5 लाख टाइप के स्पीसीज के प्लांट के हैं और करीब 12.5 लाख टाइप का स्पीसीज जो है एनिमल का है, बाकी अगर फंजाई और बैक्टीरिया को छोड़ भी दे तो यही लाखों टाइप की स्पीसीज है। अब एवोल्यूशन में जो हम आंसर खोजते हैं या एवोल्यूशन आपको पढ़ाया जाता है, ये इस बात के लिए पढ़ाया जाता है कि ये कैसे बना। अब सवाल ये है कि ये क्यों जानना कि ये कैसे बना, क्यों नहीं मान लेते जैसे भी बना, बना तो है बस उसको पढ़ो। तो उसके पीछे एक वजह है। जैसे आपको एक और चीज पढ़ाया गया था, सेल थ्योरी, ठीक है, जैसे सेल वाले चैप्टर में आपने सेल थ्योरी पढ़ा है, इसमें आपने पढ़ा है कि एवरी न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे ये जो है एक सेल है, और ये सेल जब डिवाइड होती है तो दो नई सेल बनाती है, ठीक है, तो ये न्यू सेल है, तो एक न्यू सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुआ। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया सेल डिवीजन, मियोसिस और माइटोसिस, कि सेल डिवीजन से नई सेल बनती है। जैसे जब स्लाइडर और स्वान ने ये बताया सेल थ्योरी में कि हर लिविंग चीज, जितनी भी चीज जिंदा है, पहला चैप्टर आपका लिविंग वर्ड था ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बेसिकली बने होते हैं सेल के, ठीक है, और सेल के प्रोडक्ट के। सेल के प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे सेल से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तो कोई या तो यूनिसेलर है या तो मल्टीसेलर है, इसी बात को लिखा है, या तो वो सेल से बना या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना है। तो जैसे कोई अमीबा है, कोई एक सेल है, अगर ये पूछा जाए तो फिर ये कैसे आई, तो उसका आंसर होगा कि रोडोल्फ वर्सो एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि एवरी न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर नई सेल जो है अपने पुरानी सेल से आती है। वो कैसे? तो एक प्रोसेस बता दिया गया सेल डिवीजन, एक चैप्टर आपको और ऐड हो गया सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का, जिसमें आपने पढ़ा सेल साइकिल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, समझ रहे हैं मेरी बात? अब जो है ये आंसर तो मिल गया कि नई सेल कैसे बनती है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जो फर्स्ट सेल थी, कभी तो ऐसा रहा होगा ना कि पहली सेल जो बनी थी वो कैसे बनी थी, जो सबसे पहली सेल थी वो कैसे बनी थी, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ठीक है। आज की डेट में चलो कि हर नई सेल बनने के लिए एक मदर सेल होती, उसके डिवीजन से बनती है, तो इस टाइप का आंसर हम एवोल्यूशन में खोजते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पहली सेल का मतलब, समझ रहे हैं आप क्या हो जाएगा, पहली सेल का मतलब ये हो जाएगा कि पहला लिविंग थिंग जो अर्थ पे बना वो कैसे बना। इसीलिए आपको टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द लाइफ। ओरिजिन ऑफ द लाइफ का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ द सेल, क्योंकि सेल ही अल्टीमेटली लिविंग है ना,
आपने पहले चैप्टर को जब पढ़ा द लिविंग वर्ड, तो वहाँ लिविंग को कैसे आपने डिफाइन किया, जिसमें जो है जो सेलुलर मशीनरी को रखता है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर को रखता है मिनिमम, उसको हम लिविंग बोलते हैं। तो अगर ओरिजिन ऑफ द लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाइफ तभी ओरिजिनेट हुई होगी जब क्या बना होगा, सेल बना होगा। इसलिए जहां रोडोल्फ वर्सो और स्लाइडन और स्वान रुक गए थे, इनकी सेल थ्योरी जहां के बाद आंसर नहीं दे पाती थी कि दुनिया में पहली सेल कैसे आई। जैसे बात ये है कि मान लो, देखो मेरी बात समझो आप, जैसे मान लो प्रोटिस्टा आप ले लो, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में दो जो है फैमिली है, एक अमीबा की एक युगलीना की, ठीक है। ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। आज की डेट में सेल थ्योरी ये बोलती है कि अमीबा डिवाइड होके दो अमीबी बनाएगी, ठीक है, और युगलीना डिवाइड होके दो युगलीनी बनाएगी, ठीक है। इस तरीके से दो डॉटर एनिमल ये बनेंगे। इसका मतलब ये अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हमें ये कैसे पता होगा कि इसका पहली बार फर्स्ट अमीबा कैसे बनी होगी, फर्स्ट युगलीना कैसे बनी होगी। जाहिर सी बात है कि अमीबा युगलीना में थोड़े कन्वर्ट हो रहा है, ना तो युगलीना अमीबा में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनके कोई न कोई फोर फादर रहे होंगे, कोई न कोई रहा होगा जिससे ये पहली बार बने होंगे, और बनने के बाद इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आई होगी और ये डिवाइड होके अपनी कंटिन्यूटी कर रहे हैं। लेकिन पहली बार कैसे आई, तो वो चीज़ जो पहली बार इनका टाइप बना, इनके डिफरेंट टाइप्स बने या डिफरेंट स्पीसीज बने, उस टॉपिक को यहाँ बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म, जो आपके सिलेबस में है। इसका मतलब समझ रहे हो, जब आप कह रहे हो एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म, लाइफ के कितने फॉर्म हैं, तो आपको बताया गया है कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो फाइव किंगडम में डिवाइडेड है, बड़े बड़े ग्रुप, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई। तो ये पांचों ग्रुप कैसे फॉर्मेशन हुआ, उनमें अंदर बहुत सारी चीज है, वो बात अलग है, तो वो सब कैसे बने, वो अलग अलग टाइप की लाइफ कैसे बनी, क्योंकि ये जो आंसर है ना सेल डिवीजन, इससे तो सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होता है। जो आपने पहली आपकी 12 की यूनिट है जिसमें आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, वहां पे आपको क्या बताया जाता है कि रिप्रोडक्शन, कोई भी रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो यूनिसेलुलर में हो या मल्टीसेलुलर में हो, अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन ही होता है। गेमिट बनेंगे, गेमिट कैसे बनते हैं, स्पर्म और ओवा क्या है, सेल हैं, तो सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, सेल डिवीजन से होगा। और रिप्रोडक्शन का अल्टीमेट एम क्या है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, जो स्पीसीज बन गई है उसकी कॉन्टीन्यूटी हो। जैसे ह्यूमन आज जो है हजारों साल से जिंदा है, इसकी स्पीसीज जिंदा है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कर पा रहा है। तो रिप्रोडक्शन की जो लिमिट है कि वो स्पीसीज को कॉन्टिन्यूटी दे सकता है कि उसकी स्पीसीज जो है हजारों साल तक अपने प्रोजिनी को पैदा करे। लेकिन जब हम इस टाइप के आंसर खोजेंगे कि गोरिल्ला कैसे बना, ह्यूमन कैसे बना, मंकी कैसे बना और दूसरे मैमल कैसे बने, ये सब के पहले 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 मेंबर कैसे बने, यानी इनके इनके जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म है इनकी ओरिजिन कैसे हुई, तो उसके लिए हम यहाँ टर्म यूज कर रहे थे एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म, ओरिजिन ऑफ द लाइफ, पहले लाइफ कैसे बनी फिर उसके फॉर्म कैसे बने। तो इस टाइप का आंसर जो हम एवोल्यूशन में खोजते हैं। मेरी बात समझे आप कि एवोल्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो आंसर एवोल्यूशन देने वाला है वो आंसर आपको बाकी कोई दूसरा चैप्टर नहीं देगा। देखिए अब आप
एक्चुअल में इस चैप्टर को मैं थोड़ा बहुत मैच्योर होने पे स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, जब उन्हें अच्छा खासा मैं पढ़ा दिया होता हूँ। बट ऑनलाइन एजुकेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि आप 20 से कहीं भी स्टार्ट कर लेते हो, तो मुझे एक प्रॉब्लम ये यहाँ फेस होती है कि मेरा स्टूडेंट का मेंटल लेवल क्या है, क्या वो समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो मैं बोलूँगा जो न्यू कमर्स हैं, जो पहली बार इस एवोल्यूशन के वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें कुछ बेसिक चीज़ पहले पता होनी चाहिए। जैसे 11th में उन्हें सेल्ब अच्छे से आना चाहिए, उन्हें जो है क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए, उन्हें जो है रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए और जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर का पता होना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये लेक्चर वो स्टूडेंट देख रहा है जिनको इसकी बेसिक नॉलेज है, उसको अंडरस्टैंडिंग है इन सब की, तब वो एवोल्यूशन के टॉपिक को देख रहा है, क्योंकि उसके बाद ही इसका नंबर आता है, ताकि ये बात आप समझ पाएं। अगर आप पहले पहल ही एवोल्यूशन के टॉपिक को देखना शुरू करेंगे तो शायद आप जस्टिफाई ना कर पाए। ठीक है फ्रेंड, तो मेरी बात आप समझ गए। अब देखिए, जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि एवोल्यूशन का जो टॉपिक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या, आप जो है ना जस्ट मेरी बात को ना एकदम जैसे आप प्रवचन सुनते हैं वैसे सुनिए, क्योंकि जब आप किताब को उठाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप और परेशान होंगे, क्योंकि किताब इससे भी टफ लिखा होगा। आप मेरी बात को पहले सुनिए कहानी की तरह है, एवोल्यूशन एक कहानी ही है, और फिर इसको जो है इसकी एक समरी आपके दिमाग में जब आ जाएगी, तब जब आप किताब को खोलेंगे तो आपको उनके सेंस पता लगेंगे। एक्चुअल में इस चैप्टर में एक एंगल है, सब्जेक्ट में एक चीज़ होता है फिलॉसफी, हर सब्जेक्ट में फिलॉसफी होती है, तो ये बायोलॉजी का थोड़ा फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, इस वजह से थोड़ा टफ है आपके लेवल पे, लेकिन इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मैं समझाऊंगा, जस्ट आप फॉलो करिए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में रखते हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि हम पीछे घूम के हर चैप्टर से देखेंगे ना कि वो चैप्टर क्यों पढ़ाए गए और एवोल्यूशन में क्या पढ़ने वाले, जितना कन्फर्म हो जाएगा ना कि एवोल्यूशन में आप क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है, उतना जल्दी आपको इसके कंटेंट रेलिवेंट लगेंगे और वो समझ में आने लगेंगे। इवन कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, जब तक उसका इम्पोर्टेंस न समझ में आए ना, तब तक आपको वो चैप्टर नहीं आएगा समझ में जैसा आना चाहिए। अगर आएगा तो बहुत टाइम के बाद आएगा, समझ रहे मेरी बात। जैसे मान लीजिए आपने 11th में आपको सेल का चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो कौन सी यूनिट है, तीसरी यूनिट है, पहले आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई जाती है, फिर आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई जाती है एनिमल और प्लांट की, और फिर आपको सेल का चैप्टर पढ़ाया जाता है, ऐसा है ना। तो ऐसा क्यों है कि आपको सेल का चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसका रेलिवेंट क्या है, उसे बायोलॉजी में क्यों इंक्लूड किया गया है, ये बात समझना है अब आपको। देखो, जैसे जो लिविंग वर्ड है सबसे पहले आपको पढ़ाया जा रहा है, तो लिविंग वर्ड का मीनिंग क्या है, लिविंग वर्ड का मीनिंग ये है कि हमारे सराउंडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिविंग है, हमने उसे डिफाइन कर दिया। फिर दूसरी चीज़ हमने पाई कि जो लिविंग है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, तो फिर हमने उसे क्लासिफाई कर दिया, क्योंकि हम डाइवर्सिटी को समझना चाहते थे फंडामेंटल लेवल पे, ये डाइवर्सिटी कितने फॉर्म की है, क्योंकि अगर आप स्पीसीज में डिफाइन नहीं करेंगे डाइवर्सिटी तो आप डाइवर्सिटी समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं एक जंगल में जाइए जहाँ बहुत सारे टाइप के प्लांट हों, अगर आपको नहीं पता है कि अलग अलग कौन सी वैरायटी के प्लांट हैं, तो आपके पास सिर्फ एक आंसर होगा, बहुत से प्लांट हैं। अब ये नहीं पता होगा कि वो बहुत से प्लांट एक ही टाइप के हैं या एक से ज़्यादा टाइप के हैं। अब आप जो है एक कॉमन सेंस से ये तो अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक टाइप का प्लांट दूसरे टाइप के प्लांट से अलग दिख रहा है, तो वो एक टाइप के तो है नहीं, एक से ज़्यादा टाइप के हैं।
तो किसी को अगर बताना है कि वहाँ प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है, यानी डाइवर्सिटी को बताना है, तो वो पूछेगा ना कि कौन कौन सी वैरायटी है, तो उसका आंसर कैसे दे पाएंगे जब आप क्लासिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो जिंदा चीज़ें हैं उसमें बड़ी वैरायटी है, तो सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है कितनी वैरायटी है। तो फाइव किंगडम आया कि बेसिक पांच टाइप की है, उसके बाद उसमें किंगडम्स के बाद जो है हम जब उसको क्लासिफाइड करते गए तो सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज तक गए। इस तरीके से हमने हर को डिफाइन किया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको समझ में आया जब हमें डाइवर्सिटी को इंडिविजुअल लेवल पे उसकी वैरायटी के लेवल को जानना हुआ। अब तो आप समझते होंगे जब ट्वेल्थ में आ गए होंगे कि डाइवर्सिटी में आप कर क्या रहे थे। फिर इसके बाद वो जो वैरायटी वो दिखती कैसे है, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, तो आपको मॉर्फोलॉजी का यूनिट पढ़ा दिया गया, ठीक है। एक कॉमन मॉर्फोलॉजी की प्लांट कैसा दिखता है, एनिमल कैसा दिखता है, उनमें क्या क्या खास बात है। फिर सेल क्यों पढ़ाया गया, सेल इसलिए पढ़ाया गया कि मॉर्फोलॉजी का मतलब तो फार्म होता है कि पत्ती कैसे दिखती है, लीवर कैसे दिखता है, इंटेस्टाइन कैसे होती है। आपको काकरोच अर्थवर्म का जो है आपको मेंशन किया गया है ना, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी। तो अब सवाल ये होता है कि ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही हैं उसके बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, वो हैं ही ऐसा क्यों, उनको क्यों होना चाहिए। तो जो सेल थ्योरी आती है वो बताती है एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, जैसे लीफ दिख रही है, ये बहुत सारे सेल एक साथ अरेंज है। जैसे एनाटॉमी में जब आप डायग्राम बनाते हैं तो किस चीज़ का बनाते हैं, लीफ बहुत सारे सेल का एग्रीगेट होती है, मतलब टिशू बहुत सारे आपस में अरेंज होते हैं, उसी को आप लीफ कहते हैं। ऐसे ही स्टेम में होता है, रूट में होता है, सब में। तो उसी बात को हम बोलते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज देखिए कि चाहे एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, उनके बॉडी में जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सब सेल से बने होते हैं पूरे फाइव किंगडम में। तो सेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट था ना जो बहुत कुछ चीज़ों का आंसर दिया, लेकिन एक जगह वो आके रुक गया कि सबसे पहली वाली सेल कैसे बने होंगी और दुनिया में इतने वैरायटी की सेल कैसे हैं। जो आपका स्टार्टिंग में चैप्टर है तो वहाँ कई सारे डायग्राम दिए गए हैं ना कि उसमें एक न्यूरॉन का सेल है, एक बैक्टीरिया।